Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
गेट असाइड Thank you.
कब हो गया
से ज्ञानं चलाय चक्षुरुन्मुखं येन तस्मै श्री गुरवे नमः राय राधिकाय सदाये कृष्णार्थे देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनाय पराजलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दमिदमेव महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन प्रसदान्त सहज बलभद्रे नमलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्य हस्ते हृदय संवेद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद एक बार सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम गुरुनाथ पद्मनिता कृष्ण विष्णुपाल स्तोत्र शब्द शिष्य वन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के सत्पुत्रों में मैं सबके कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ उनकी ऐसे भी कृपा की मांसा करता हूँ तदुपरांत शिक्षा गुरु विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र शब्द शिष्य मन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्ला विष्णु विष्णुपाल भक्ति विज्ञान शरद भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अब हे गुरुपाद पद नित्ला विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र शब्द भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नित्ला विष्णु भक्ति और यहाँ पर सभी जो भक्त आए हैं सबको मेरा अभिनंदन और यथा योग्य स्वागत। हरे कृष्णा। आज क्या है राधा माधव गौड़िया मठ में संध्याकालीन ये एक कीर्तन कथा का आयोजन रखा है। उद्देश्य क्या है वो पता नहीं, भक्तों को एक बहाना चाहिए होता है। कभी किसी की क्या बोलते हैं एनिवर्सरी, कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी का अन्नप्राशन, कभी किसी का मुंडन है ना, और आज भी एक बच्ची का जन्मदिन। इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में पुरुषोत्तम प्रभु, उनकी धर्म पत्नी ब्रजभूषण प्रभु, ये सब इन लोगों ने ये कथा कीर्तन का यहाँ पर एक आयोजन रखा और सबके प्रसाद की व्यवस्था भी रखी। हाँ, एक और बात ही, मेरा भारत से प्रस्थान हो रहा है ये भी एक कारण है तो इसलिए बोलते जय केनो उपाय न, किसी भी उपाय, किसी भी प्रयोजन, किसी भी कारण कथा कीर्तन होने से मंगल भवन अमंगल हारे। भगवान के नाम कीर्तन से ही सारे मुहूर्त शुभ हो जाते हैं, सारे मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाते हैं। जहां पर भगवान का नाम ना हो वह मुहूर्त कैसा हो जाता है, वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो अमंगल ही है। लेकिन कोई अमंगल मुहूर्त भी भगवान के नाम के द्वारा पूर्णता मंगल को प्राप्त हो जाता है, पूर्णता मंगल है ना। जैसे
मंगल भवन, भवन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पूर्णता मंगल को प्रदान करने वाला। इसलिए नित्यम प्रभु का भजन गाया, नित्यम प्रभु के चरणों का स्मरण किया। क्यों किया? नित्यम प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं, उनके श्री चरणों का स्मरण करने से समस्त गुरु परंपरा का स्मरण हो गया। कहा, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य रदास तथापि जानी अमी तहार प्रकाश। यद्यपि मेरे गुरु जी महाप्रभु जी के दास हैं, परंतु मैं उनको महाप्रभु जी का प्रकाश के रूप में ही दर्शन करता हूं। इसलिए समस्त गुरुजन, जैसे वृंदावन में ब्रज में बोलते हैं अपने अपने गुरुदेव की जय, अब किसके कौन गुरुदेव है पता नहीं, किस किस का नाम ले तो अपन अपन गुरुदेव की जय बोल देते हैं, उसमें सब आ गए। ऐसे ही नित्यम प्रभु के जो चरण कमल हैं उसकी तुलना की गई किससे, कोटि चंद्र सुशीतला। नित्याई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ध्यान से सुनो, नित्यम प्रभु के चरण कमल की तुलना की गई या तो कमल से या फिर की गई चंद्र से। तीन उपमा दी गई वहां पर, समझ रहे हैं बात को। नित्याई पद कमल, कमल मतलब कमल पुष्प, कोटि चंद्र करोड़ों चंद्र की तरह सुशीतल। फिर कहा, जे छाया जिनकी छाया में, छाया किसकी होती है, वृक्ष की। यहां पर कौन सा वृक्ष की उपमा दी जा रही है, कल्पतरु वृक्ष। तो तीन उपमा से नित्यम प्रभु के चरणों को समानता दी जा रही है, कमल का पुष्प, चंद्र और कल्पतरु वृक्ष, और तीनों में एक समानता है, ये तीनों ही क्या है, शीतलता प्रदान करने वाली है। कैसी शीतलता, कमल का पुष्प बड़ा शीतल प्रदान करता है। राधा रानी को जब विरह होता है तो सखियां उनको कमल के पुष्प पर एक शैया बनाती है, उनके ऊपर लेटा देती है, जब उनको विरह हो जाता है, कृष्ण का विरह, क्योंकि कमल बड़ा शीतल होता है और देखने भी बड़ा सुंदर लगता है, आंखें नेत्र तृप्त हो जाती है। मैं अनेक बार बोलता हूं, जब मैं विदेश में, एक देश है गयाना अमेरिका के पास में, वहां पर चारों ओर कमल ही कमल है, ऐसे नाली में उगाते हैं अपने आप, सरोवरों में, तालाब में, नदियों में, मतलब वो कमल का देश है, ऐसे नाली में अपने आप उगाता है, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, और देखने में इतने सुंदर लगते हैं। तो कमल शीतलता प्रदान करता है, और चंद्र क्या करता है अभी नहीं पता लगेगा, जेठ मास की जून महीने की तड़पती हुई चिलचिलाती धूप में, संध्या के समय में जब पूर्णिमा होती है तो वह गर्मी से, ताप से वो चंद्र शीतल प्रदान करता है। और गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा करो, गर्मियों में एक भारी बड़ा सा बरगद का वृक्ष हो, उसके नीचे बैठकर क्या होता है, शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे नित्यम प्रभु के चरणों को जो भजता है उसको शीतलता प्राप्त होती है। कहां से शीतलता प्राप्त होती है, इस संसार के जो ताप में हम फंसे हुए हैं, दिन रात माया की लात खाते हैं, कभी सुख की और कभी दुख की, दोनों ही लाते हैं, पैर दो होते हैं ना, तो लात तो दोनों से पड़ती है, सुख की भी लात पड़ती है और दुख की भी लात पड़ती है, जबकि दुख की लात ज्यादा अच्छी है। क्यों, दुख की लात पड़ती है ना तो भगवान का स्मरण हो जाता है, और जब सुख की लात पड़ती है ना, उनको पीछे एक चेयर दे दो माता को, जब सुख की लात पड़ती है ना तो उसमें आनंद में ही व्यक्ति हम भूल जाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमको करना है ना। इसलिए भजोरे भजोरे भाई, नित्यम प्रभु के चरणों को भजो, और हमारे समस्त गुरु परंपरा, समस्त गुरुजन उन्हीं चरणों में ही हैं, वो साक्षात नित्यम प्रभु के ही प्रकाश हैं। इसलिए नित्यम प्रभु के चरणों का भजन करना, स्मरण करना, मतलब समस्त गुरु परंपरा का स्मरण करना। किस
किस उद्देश्य से? कहा यथा तरोर मूल निश्चनेन तरपंति तस्कंद भुजोप शाखा। जैसे एक वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता, ऐसे ही नित्यम प्रभु के चरणों का भजन करने से सबका भजन करना हो गया। लेकिन नित्यम प्रभु के साथ हमारा कोई आदान प्रदान होता है, रेस्प्रोकेशन होता है, कोई बातचीत होती है? इसलिए नित्यम प्रभु के जो प्रकाश श्री गुरु, उनकी सेवा, उनका संग, उनके मन के अभीष्ट को समझ करके उनकी प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाएगी तो वास्तव में उनकी सेवा होगी। लेकिन यदि उनका मनोभीष्ट नहीं समझकर अपने मन के अनुसार सेवा करने चाहोगे तो ये सेवा नहीं है। इसको अपनी इच्छा पूरी करना कहते हैं, आत्मिंदी प्रीति वांछा। ये अपने मन को सुख लगने वाली बात है। गुरु जी ने कहा, बेटा नंद उत्सव वाले दिन ठाकुर जी को मालपुआ का भोग लगाना, क्योंकि या फिर मोहन भोग, एक लड्डू होता है व्रज में घी के भरा हुआ, उसका भोग लगाना। तो शिष्य सोचता है, नहीं गुरु जी, मिठाई तो भोग लगाना है, बड़ा सा चमचम लाऊंगा, रसगुल्ला लाऊंगा, गुलाब जामुन लाऊंगा, इमरती जलेबी लाऊंगा, 10 प्रकार की मिष्ठान भोग लगा दिया। ये मनोभीष्ट सेवा नहीं है, क्योंकि गुरु जी शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र कहते हैं और जो उस लीला में जो हुआ उसके अनुसार अपने मन में चिंता करते हुए ये आदेश देते हैं कि बेटा ठाकुर जी को आज लड्डू का भोग, मालपुआ का भोग लगे। क्यों? नंद लाला प्रकट भयो आज बिरज में लड्डुआ बटे। नंद बाबा ने यशोदा मैं नहीं लड्डू, तो इसलिए उस लीला के अनुसार वो सेवा दी जाती है। और खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, तो मालपुआ और लड्डू इसका बड़ा महत्व है ब्रज में। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरा मन तो है मैं रसगुल्ला, फिर ये हुआ अपने मन से। तो इसलिए ये एक अंतर आ जाता है, अपने मन से सेवा करना और गुरु जी के आदेश से सेवा करना। समझ रहे बात को? आप यूं समझो, जो लोग भगवान की, गुरु जी की, भगवान की, वैष्णव की सेवा करते हैं, ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। किसके कारण? गुरु जी की कृपा के कारण। कैसे? इसको जरा ध्यान से समझ लेना, 5-10 मिनट ध्यान से कान खोलकर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हमको जो भी छोटी मोटी सेवा जो भी प्राप्त हो रही है, छोटी सी कुछ भी, उसका कारण पता कौन है? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी की कृपा ही। वो कृपा का लक्षण, वो कृपा का दृष्टांत क्या है? तो एक श्लोक से समझो। जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक बतलाया संदर्भों में। कहा अनुकंपा किसको कहते हैं? अनुकंपा का मतलब होता है कृपा, है ना? अनुकंपा हो गई, हम पे कृपा हो गई, मतलब उसका अच्छा सा शब्द क्या है शास्त्रीय भाषा में? अनुकंपा। अनुकंपा की डेफिनेशन, परिभाषा क्या बताई? अनुकंपा च पूर्णस्मिन् स्वास्मिन् सेवा विका, स्वास्मिन् सेवा अधिकार संपादका, सेवकादेशु सेव्य सौभाग्य संपादका, भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा। ये एक शब्द अनुकंपा का इतनी बड़ी उन्होंने खोलकर एक परिभाषा की डेफिनेशन दी है। मतलब क्या, इसको आप समझो। अब तो संस्कृत बोली थी। बोलते हैं जो पूर्ण है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पूर्ण है, जब वो अपूर्णता दिखलाते हैं, यही उनकी अनुकंपा कृपा है। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? जो व्यक्ति, मेरे पीछे बोलो, जो व्यक्ति पूर्ण है, जब वो अपूर्णता दिखलाते हैं, यही उनकी अनुकंपा है। अब मैं रिपीट करना, अब ये नहीं बोलना, रिपीट नहीं करना। अब इसको समझो, पहले संस्कृत में बोला
अब हिंदी में बोला, अब इसको उदाहरण से समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। चलते हैं श्री राम जी की लीला में। राम जी अपूर्ण है कि पूर्ण है? पूर्ण भगवान है ना, स्वयं साक्षात पूर्ण ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अभी हम लोग अगले वर्ष रामेश्वरम जाएंगे ना, बहुत से लोग यहां से जाएंगे। रामेश्वरम में धनुष कोटि है, जहां पर समुद्र पर क्या बनाया गया, सेतु बनाया गया, समुद्र सेतु बनाया ना। ये क्या है, लंका जाना है, इसलिए हे वानरों हमारी सहायता करो। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। सुग्रीव हमारी सहायता करो, ये सहायता करो, हनुमान जी सहायता करो, नल नील सहायता करो। अरे 4-5 किलोमीटर का ही रास्ता है, 4-5 मील, 6-7 किलोमीटर। एक समुद्र को पार करने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है, सबकी सहायता लेनी पड़ रही है, ये क्या है? आप जो साकेत धाम से इधर आ सकते हो, साकेत धाम को इधर बाज में, स्वर्ग से भी ऊपर, ब्रह्मलोक से भी ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर, विरजा नदी फिर वैकुंठ, उससे ऊपर भी फिर साकेत धाम, सदाशिव लोक साकेत धाम, इतना ऊंचा। आप वहां से यहां आ सकते हो, आप 5-6 किलोमीटर लंका पे नहीं जा सकते? आप ऐसे जो सबको भव सागर से पार करा सकते हो, और आपके छोटा सा सागर पार करने के लिए आपको इतनी परेशानी हो रही है? आप जो पूर्ण हैं, जिनके इशारे से सब कुछ हो जाए, एक इच्छा मात्र करने से आप एक पुल पार, समुद्र पार करने के इतना यत्न कर रहे हो, जानते हो ये क्या है? इसको कहते हैं अनुकंपा, ध्यान से समझो और ये अपने पास रखना ये बात को। इसको कहते हैं अनुकंपा, जो पूर्ण है वो अपूर्णता दिखला रहा है, जो अभाव दिखला रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको कहा गया, जीव गोस्वामी जी ने कहा, इसको कहा ये भगवान भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा, ये भगवान की उपकार करने की इच्छा से वो अपूर्णता दिखलाते हैं, जबकि वो पूर्ण है। बात समझ आ गई, आई कि नहीं आई? सीधी सीधी बात है, उदाहरण से है कि नहीं? जो राम जी साकेत से आ सकते हैं नित्य धाम से, वो वहां जाने में क्या परेशानी है? जो सबको भवसागर से अपने नाम के द्वारा पार करा सकते हैं, स्वयं नहीं पार हो पा रहे। इसको कहते हैं उपकार, इसको कहते हैं अनुकंपा, इसको बोलते हैं कृपा। और यही का ये श्लोक साक्षात हरितेना समस्त शास्त्रे, यही का ये श्लोक फिर लगता है हमारे समस्त गुरु परंपरा, समस्त गुरुजनों पर। वो अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन अपूर्णता दिखलाते हैं। किसके लिए? अगर वो अपूर्ण अभाव नहीं दिखलाए ना, हम आपकी छुट्टी, कोई सेवा नहीं मिलेगी। वो अपने नाम से, अपने भजन से, अपनी सेवा से भगवान को पूर्ण संतुष्ट करते हैं, पूर्ण। वो भी पूर्ण है, क्यों? निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य, वे भी नित्य हैं, वे भी पूर्ण हैं। और क्या कहा? ब्रह्मांड तारित्य शक्ति धरे जने जने, सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रचार के द्वारा एक एक व्यक्ति सारे विश्व को तार कर सकता, सारे विश्व को, लेकिन अभाव दिखलाते हैं। अच्छा, प्रहलाद जी ने बोला नरसिंह भगवान से, नरसिंह भगवान ने कितना प्रयास किया, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो पहले तो प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा एक बात मांग लूं, भगवान तो इतने उछल गए, हाँ बोलो बोलो। बोलते यदि दास्यस्त में कामा वरम स्तु वरदा विषम कामम हिदिम समरोहम, हे वरदान देने वाले, हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। भगवान ने कहा जल्दी बोलो क्या, मैं उतावला हो रहा हूं। कामम हिदिम समरोहम, ये वर दे दो कभी मेरे हृदय में वर मांगने की इच्छा जाग ना जाए। ये कोई वर मांगना हुआ? बोलते कभी अनुकूल स्थिति होती है, प्रतिकूल होती है, कभी मेरे हृदय में वर मांगने की इच्छा जाग ना जाए, ये वर दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद ये कोई मांगना मांगना हुआ?
तो बहुत कुछ उसमें वार्तालाप हुई, लेकिन प्रहलाद जी ने सबके मंगल की चिंता की, सबके मंगल की चिंता की, अपनी नहीं। कहते मैं कंजूस नहीं हूं, प्रायण देव मुनियो समुक्ति कामा मौनम चरांत विजने न परार्थ निष्ठा। वो थे प्राय जितने मुनि होते हैं वो अपने ही मंगल की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह कंजूस नहीं हूं, मैं अपनी भी और ये भगवान सारे विश्व के हर एक प्राणी की मंगल की कामना करता हूं। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, एक वर मांगता हूं, आप सबका उद्धार कर दो। ऐसे बोलते हैं भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज, जो पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, ये संत स्वभाव है, ये साधु स्वभाव है। दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, कौन से दुख में? ये नहीं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हाई ये बीमार पड़ गया, हाई ये वाला दुख नहीं। इस दुख के लिए तो पंडित बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं। साधु का सबसे बड़ा दुख क्या? ये भगवान से विमुख है, इसको यही नहीं पता कि इसका मंगल क्या है। एक बच्चे को ही नहीं पता कि भैया तू पढ़कर क्या बड़ा बन जाएगा, उसको नहीं पता, ये साधु का दुख है। प्रहलाद जी ने ऐसे साधु प्रवर हैं, भक्त प्रवर, भगवान से कहने के सारे विश्व का उद्धार कर दो, सारे विश्व। तो भगवान का हृदय भी पिघल गया, बोलते ठीक है प्रहलाद, जो तुम्हारी और हमारी वार्तालाप सुनेगा। पहले तो कहा नहीं प्रहलाद, जिस जिसका तुम स्मरण करोगे उसका उद्धार कर दूंगा, जाओ। प्रहलाद जी तुरंत सारे जीवों का स्मरण करने लग गए, जिन जिनको वो जानते थे। इसका मतलब क्या? भक्त के साथ संबंध बनाने से कभी वो हमारा स्मरण करें तो भगवान तक हमारी पहुंच पहुंच जाती है, प्रार्थना पहुंच जाती है। और वो कैसे होगा? उनके साथ संबंध जोड़ने से। ये नहीं साल में एक बार गुरु पूर्णिमा वाले दिन आकर माला चढ़ा दी, एक कपड़ा दे दिया, दक्षिणा दे दी, हमारा आपसे संबंध है जी, ऐसे होता है संबंध? अरे अपने घर में संबंधियों के, संधियों के साथ कैसा संबंध रखते हो? हर त्योहार में चले जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं, संबंध बढ़ता रहता ना। ऐसे ही भक्त के साथ संबंध बनने से वो हमारा भजन करते करते हमारा स्मरण करें तो समझ लो हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच गई। और भगवान के मंदिर में जितना नाक रगड़ लो कुछ नहीं होने वाला, हाँ थोड़ा सा सुकृति मिलेगी, कुछ पुण्य मिल जाएंगे, बस मुख्य चीज नहीं मिलेगी। जय श्री श्री राधा माधव की जय। राधा रानी को बंगाली बना दिया, तुम बंगाली वेश। अच्छा चलो 5 मिनट और सुन लो, मैं समाप्त कर रहा हूँ, ये बात को समाप्त करता हूँ। दूसरी ओर महाप्रभु जी के भक्त हुए, परिकर हुए गौरीदास पंडित, है ना, कहाँ पर? अंबिका कालना में। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? एक भजन आता है, देवादि देवा गौरा चंदा गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौरा अंबिका देवी हरे चारु अरुणा गुंजहारा हित कामाले जे धरे विरिंचि से व्यापाद पद्मा लक्ष्मी सेवा सागरे। भजन है लेकिन भजन के लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं, बोलते हैं गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धरे। गौरीदास कह रहे मैं प्रार्थना करता हूं हे महाप्रभु सारे जीवों का उद्धार हो जाए, अपने लिए नहीं कह रहे, कहते हैं सारे जीवों का उद्धार हो जाए। ये है साधु स्वभाव, ऐसे महाप्रभु के भक्त हैं। और उसी भक्तों में, उन्हीं परिक्रों में फिर हमारे शिवभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो अकेले ही सारे विश्व ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण होते हुए भी महाप्रभु जी के सामने अपूर्णता दिखला रहे हैं, अभाव दिखला रहे हैं। महाप्रभु मैं प्रचार कैसे करूं? प्रचार के लिए धन भी चाहिए और लोग भी चाहिए, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास जन है, लोग हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा जन भी मैं दूंगा और धन भी मैं दूंगा, आप प्रचार करें।
यहां पर इसी से ही सारा पासा पलट गया। जो पूर्ण है वो अपूर्णता दिखला रहे हैं, मैं कैसे करूं। सार बात तो ये, बातें तो बहुत है कि हमारे प्रभुपाद जी और उनके जितने भी अनुगत जन उनके परिकर हुए, हमारे गुरुदेव सब, ये अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। जैसे एक प्लेट है उसमें प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद में उचिष्ट छोड़ देते हैं, भक्तों के लिए उचिष्ट छोड़ देते हैं। ऐसे ही समस्त गुरुजी, समस्त गुरु परंपरा ठाकुर जी की पूर्ण रूप से सेवा करते हुए भी थोड़ा सा उचिष्ट छोड़ देते हैं, किसके लिए, अपने आगे भक्तों के लिए। ये उचिष्ट पान करने से क्या हो जाता है, प्रसाद सीविते है सकल प्रपंच जाए। ये उचिष्ट पाने से एक तो अपना भी उद्धार हो जाता है और उससे सारे विश्व का भी उद्धार हो जाता है। वो उचिष्ट क्या है, सिर्फ भोजन वाला उचिष्ट नहीं होता, उनकी जो कथा होती है वास्तव में वो श्रेष्ठ उचिष्ट है। भागवत जी सुखदेव गोस्वामी जी ने की, वो भागवत जी क्या है, साक्षात सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम। सुखदेव गोस्वामी जी का मुख निसृत वाणी, जो उनका मीठा एक प्रसाद, अमृतमय जो प्रसाद, जो उसका पान करें वो तो अमर हो गया, क्योंकि अमृत पान करके तो अमर ही हो जाता है। ऐसे ही उनके मुख से निकली हुई जो वाणी, वह वाणी का प्रचार, उस वाणी का आचरण, यही उनका उचिष्ट प्रसाद धारण करना हो गया। इसलिए महाप्रभु जी ने सबको आदेश दिया क्या कहा, क्या आदेश था वो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारोई देश। जिसको मिलो, जिसको देखो, संबंधी हो, मित्र हो, पड़ोस में हो, उनको श्री कृष्ण के संबंध में बतलाओ। जितना भी समझते हो, जितना जानते हो, उतना तो बतलाओ। नहीं नहीं ये तो सन्यासी का काम है, ऐसा तो नहीं, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, ग्रस्त भी कर सकता है, वानप्रस्थ भी करता है, सन्यासी भी करता है। देखो यहां पर ऐसे किसने ग्रस्त है, ये प्रचार करते हैं लोग, रोज सुबह सुबह उठकर कीर्तन करते हैं, घर घर में जाकर भगवान का नाम सुनाते हैं, है कि नहीं, और उनको फिर कथा सुनाते हैं, और सुना सुनाकर उनको ऐसी डोज दे देकर प्याज लहसुन छुड़वा देते हैं, और उनको लाकर फिर भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो ग्रस्त होते हुए सेवा होती है कि नहीं होती। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे नाम का प्रचार करता है मैं उससे इतना प्रसन्न होता हूं और किसी सेवा से प्रसन्न नहीं होता। उसमें पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी, सब महाप्रभु के इस भक्त में, भक्ति मूवमेंट में, इस मिशन में, इस योजना में सबका उतना भाग है। इसलिए जिसको मिलो भगवान के बारे में बतलाओ, नहीं तो उनको नाम ही करवा दो, फोन आया हरे कृष्णा जी, सबको पता लगता है ये हरे कृष्णा वाले, नाम सुना दिया उनको, है ना। तो ऐसे सब महाप्रभु जी के अनुगत में, उनके प्रभुपाद जी के अनुगत में जितना समझते हो उतना प्रचार सेवा में अपना अपना योगदान दीजिए। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, और कोई धन से करता है, कोई वचन से भी करता है, कोई स्वयं अपने आचरण से भी प्रचार कर देता है। कोई अब बोलना ही नहीं जानता कथा तो क्या करेगा, तो फिर शरीर से सेवा करो। इस पूरे महाप्रभु जी की सेवा के इस यज्ञ में जो थोड़ी सी भी आहुति डालता है वो पूर्ण आहुति मानी जाती है। बताओ यज्ञ हो रहा है, सब लोग थोड़ा थोड़ा लेके स्वाहा 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 करते हैं कि नहीं, लेकिन पुरोहित कौन होता है उसमें, जो घी डाल रहा होता है वो पुरोहित कौन, ये हमारे समस्त गुरुजन, और हम लोग थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर उसमें स्वाहा करके अपनी आहुति डालते हैं, लेकिन फल किसको मिलेगा। वो पुरोहित अपने लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, वो किसके लिए करता है, जो वहां पर यज्ञ में बैठे हैं उसके लिए यज्ञ कर रहा है। वो पुरोहित तो अपने आप में पूर्ण है, वो दूसरों के लिए यज्ञ कर रहा है।
ऐसे ही हमारे गुरु जी, हमारी गुरु परंपरा ही वास्तव में पुरोहित बनकर वह यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जो हम थोड़ी थोड़ी अपनी सेवा की आहुति डालते हैं, पूरा यज्ञ का फल हमको मिल जाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल। कमल से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। कमल के पुष्प पर एक बूंद पानी की आती है, वो पानी ऐसे बूंद की तरह उसके ऊपर हिलता रहता है, हिलता रहता है। एक हवा का झोंका आया और बूंद गिर गई। समझ रहे हैं? हम भी उस कमल के पुष्प के ऊपर एक बूंद की तरह ऐसे झोंका खा रहे हैं। एक हवा आई और ठड़ाम गिर गए, है ना। इसलिए माधव पे एक उदाहरण देते हैं हमेशा। वही उदाहरण मैं कथा में भी विदेश में भी बोलता हूँ और बड़ा सटीक उदाहरण है। बहुत पहले इनसे सुनता था, इनसे लिया मैंने। कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। अभी तो जवानी है, इस उम्र में क्या करना भजन, अभी बच्चे हैं। तो प्रभु जी बतलाते हैं, अंदर आ जाओ, चेयर दे दो प्रभु जी को। तो माधव प्रभु क्या बतलाते हैं कि बूढ़ा किसको कहते हैं, बूढ़ा किसको कहते हैं, जो जिसके बाल सफेद हो जाएं, दांत टूट जाएं, आंखों से दिखना कम हो जाए, घुटने खराब हो जाएं, ये बूढ़ा नहीं होता। हर कोई ही बूढ़ा है, जो माता के गर्भ में है और जो 80-90 साल का, 100 साल का, सब ही वृद्ध हैं। क्यों वृद्ध हैं? जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसी को क्या कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है। ये तो बात है, जो मरने के निकट है उसी को बूढ़ा कहा जाता है। अब कौन नहीं है बताओ? माँ के पेट में नहीं सुनते, बच्चा चला गया, वो तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था, वो कैसे चला गया। छोटे छोटे बच्चों का नहीं सुनते, 8 साल का 10 साल का, अभी अभी आया, एक सूचना मिली, 32 साल का लड़का था, इन्होंने आके बताया मेरे को अभी, है ना, 32 साल का लड़का चला गया। क्या बीमारी थी पता ही नहीं, क्या बीमारी थी पता ही नहीं लगा आज तक, यही बात है। देख लो, 32 साल का बूढ़ा होता है। ये जब सब हम उदाहरण सुनते हैं ना, तो ये उदाहरण नहीं, ये सच्चाई है। अभी पिछले महीने एक जगह कथा में बोल रहा था कि कभी कभी हम लोग ऐसी, जस्ट मानना इसको, समझना बात को, कभी हम शमशान जाते हैं ना किसी के वहां पर, तो वहां जाकर ना बड़ा अच्छा वैराग्य आ जाता है, बड़ा अच्छा वैराग्य आ जाता है। अरे देखो, हमको भी यही आना है, हमारा भी एक दिन ऐसा ही होने वाला है, हम कोई अलग थोड़ा ना है, संसार के रहने वाले। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य, मतलब थोड़ी देर का, और जैसे बाहर आ गए गाड़ी में बैठकर आधे घंटे में छूमंतर उड़ गया। फिर ऐसे वैराग्य के और भी हैं, मरकट वैराग्य, फलगु वैराग्य, है ना। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया गया, सो हमारे सारे गुरु परंपरा ने हमको सिखलाया क्या, युक्त वैराग्य। हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है, एक सुई भी लग सकती है। कैसे लगेगी एक सुई भगवान की सेवा में? सुई तो चुभोने वाली है, वो सुई कैसे लगेगी? भगवान के कपड़े सिलते हैं ना, एक कैंची भी लग सकती है ना, एक चाकू भी लग सकता है ना, हर एक चीज भगवान की सेवा में लग सकती है, एक सुई से लेकर जहाज तक। अरे जहाज भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? जहाज ना हो तो यात्रा कैसे हो, जब यात्रा ना हो तो फिर प्रचार कैसे हो, और प्रचार ना हो तो वहां के लोग फिर यहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा में कैसे आएंगे? हो गया ना सेवा में। श्रील भक्तिदान स्वामी महाराज जी कहते थे, सुई से लेकर जहाज तक, एक घड़ी से लेकर वस्त्र तक, सब कुछ भगवान की सेवा में लग सकता है, लगाने वाला समझदार हो। अगर उसको भक्ति वाली भावनाएं तो लगा सकेगा, नहीं तो मौज मस्ती भी करेगा। अब जहाज में लोग घूमने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं कि नहीं, इधर घूमने गए उधर घूमने गए। लेकिन जब हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी, ये सारे विश्व में जब भ्रमण किए,
तो कहीं घूमने गए, समुद्र देखने गए, पहाड़ देखने गए, स्नोफॉल देखने गए? नहीं। हमारे एक गुरुजी हुए गौर गोविंद महाराज जी, वो एक बार विदेश में थे तो भक्त लोग पीछे पड़ गए। हाँ गुरुजी चलो आपको वो दिखाने ले जाए, पता नहीं कोई टावर था ना क्या, एकदम बिगड़ गए। मैं यहाँ पर साइट सीन करने आया, ये देखने आया, तुम लोगों के कारण आया, और तुम लोग मेरे को वहां ले जाना चाहते हो, मैं तुमको कृष्ण कृष्ण दिखलाना चाहता हूं, और तुम ये छोटी छोटी चीज देखना चाहते हो जिसका मूल्य ही नहीं, और कितना देखोगे? अच्छा चलो एक टावर को देख, हाँ अच्छा है, सेल्फी भी ले ली, फोटो भी ले ली, पोस्ट भी कर दी इंस्टाग्राम में और फेसबुक में। इंस्टाग्राम समझते हैं कि नहीं? वो एक बच्चा मिला भी कार्तिक में, हाँ मैंने बोला शालिग्राम जी की सेवा तुलसी रखकर होती है, तो मैंने पूछा शालिग्राम समझता है? बोलते शालिग्राम क्या? मैं कहा इंस्टाग्राम समझता है? बोलते हाँ वो तो पता है, उसका नाम भी ग्राम उसका भी ग्राम, शालिग्राम और इंस्टाग्राम। तो शालिग्राम भूल गया, इंस्टाग्राम याद है। ऐसा जमाना, शालिग्राम जी नहीं पता क्या, इंस्टाग्राम पता है क्या है, बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा कितनी देर उसको निहार सकते हैं? दो दिन, पांच दिन, वही फिर क्या हो जाता है? बेकार लगने लगता है। इसलिए महंत स्वभाव यही तारिते पामर, हमारे गुरुजन पूर्ण होते हुए भी सारे विश्व में जाकर कथा करना, कीर्तन करना, प्रोत्साहन देना, उत्साह देना, निराशा को आशा में बदल देना, ऐसे करके बड़ा कष्ट करके हम लोगों को भक्ति मिले, हम लोगों को भगवान की सेवा मिले, इसलिए वो कष्ट सहन करते हैं। हमको मिल जाए सुख, इसलिए वो दुख सहन करते हैं। हमको सुख मिल जाए, एक दीपक जलता है ना, वो स्वयं जलता है लेकिन सबको क्या देता है? प्रकाश कर देता है। उसी प्रकार ये स्वयं कष्ट भोगते हैं, कष्ट लेते हैं, सॉरी कष्ट लेते हैं लेकिन हमको सुखी बनाने के लिए। इसलिए इनके इस त्याग को, इनके इस कष्ट को, इनके समर्पण को हम शत शत नमन करते हैं। और बस नमन करने से नहीं होगा, इनकी सेवा उस यज्ञ में आहुति डालने से हमारी भी सेवा लग जाएगी। बस इसलिए अपने मन के अनुसार नहीं, इनके मन के अनुसार बोलो श्री राधा माधव जू की जय। हरे कृष्ण। हमारे राधा माधव जी कितने सुंदर है ना, रोज ही एक नया रूप निकल जाता है। दिखने में पता लग जाता है हमारे ठाकुर जी यहाँ पर, यहाँ की सेवा से सुबह शाम माधव प्रभु की कथा होती है, इतनी सुंदर सुंदर कथा सारे विश्व में लोग सुनते हैं, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की सुंदर रसोई होती है, आप लोग भी अपना अपना सहयोग देते हैं, इस कारण से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। और बस थोड़े दिन की बात है, फिर हम लोग जाएंगे नए मंदिर में, बड़े धूमधाम से वहाँ पर ठाकुर जी के वहाँ पर उनको स्थान प्रदान, उनका जो घर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, फिर वहीं पर ही नित्य प्रति हरि कथा संकीर्तन और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। उसमें आप लोगों का जो भी जो सहयोग है, उस सब सहयोग को मैं प्रशंसा भी करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। हरे कृष्ण। सब लोग सामने को पूरे हो, और सामने आके बैठो। क्या नाम है आपका? आनंद प्रदायनी दासी। इनका नाम आनंद प्रदायनी दासी। अच्छे से हरि नाम माला करती हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आज उनका जन्मदिन जन्म तिथि है, और इस उपलक्ष्य में हम लोग सब पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन करते हैं, और इन्होंने प्रसाद की भी व्यवस्था रखी है, इसके बाद भी प्रसाद होगा।
सब लोग खड़े होकर आगे आ गए, जाओ बैठने से रोज मैं भी खड़ा हो जाता इसको बनो। ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो च्युतानन्दः स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुदत्तः स्वस्ति नो वरदेवहरिः स्वस्ति नः पद्मनाभपुरुषोत्तमोदत्तः स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलकेशो महाश्रीकृष्ण सच्चिदानन्दः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु कृष्ण करोतु कल्याणं कंसकोजकेसरी कालिंदी जलधरोला पुनःहना कुतुहरा मार्गो मार्गो वाचिः मार्गो मार्गो रिः स्वस्ति सर्वः सर्वकार्येषु माधवः लाभस्तेषां व्ययस्तेषां पुरस्तेषां नराभवः येषाम् इन्द्रवर्षाणो हृदयस्तु जनार्दनः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनम् मङ्गलं ऋषिकेशाय मङ्गलाय तनुहरिः ॐ नमो भगवते तोभ्यां पुरुषाय महात्मने हरे अनुसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सहि गौर भक्त वृंदा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नहीं होगा एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा कितना धीरे पहले से अच्छा हो लेकिन बहुत अच्छा बोलो श्री राधा रानी की जय श्री राधा माधव जी की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गिरिराज गोवर्धन जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सर्व विघ्नाशनकारी लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय गो मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो श्री राधा रानी की जय राधा माधव जी की जय अरे जोर से राधा माधव जी की जय अब हुई ना बात एक बात भक्ति वेदांत हरे कृष्ण गोस्वामी की जय माला दे दो अच्छा लास्ट वर्ड का हमारे का कार्यक्रम कर लो जल्दी से घर को 15-20 मिनट में निकालना है हरे कृष्ण